स्टूडेंट्स, आज हम एमएल अग्रवाल सॉल्यूशन करेंगे क्लास 11 का 220 फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.1 इसलिए नहीं कराया, आई होप आप उसे कर सकते हैं, इजी है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है कि साइन एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स प्रूव करना है। आप जस्ट RHS नोट करिएगा। यहाँ पे साइन एक्स लिखिएगा, साइन एक्स कॉट एक्स को आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। साइन एक्स कैंसिल, साइन से साइन, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो आपके RHS के इक्वल आ गया। देखिएगा सेकेंड पार्ट है इसका, 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिएगा LHS को लेके यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, 1 अपॉन, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिखता है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब 1 अपॉन sec x को आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्लस कॉस सेक स्क्वायर एक्स को 1 sin² x लिखेंगे आप, ठीक है। अब ये जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ये RHS के इक्वल हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस के 1 अपॉन sin x को आप कॉस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 1, ठीक है। हमने ये LHS ले लिया था इसका। अब माइनस कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स इजल टू 1 होता है, प्लस 1 माइनस ये क्या हो गया, 0। ये भी आपके RHS के इक्वल आ गया, 0 प्रूफ हो गया। 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपको ये LHS लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो 1 प्लस sec x को आपने लिखेंगे 1 अपॉन cos x, sec x को लिखा 1 अपॉन cos x, LCM ले लेंगे तो cos x प्लस 1 अपॉन में cos x हो गया एंड 1 अपॉन cos x हो गया, इस cos x से cos x कैंसिल, यानी कि cos x प्लस 1 आपका बचा। अब यहाँ पे क्या कराएगा, RHS को भी लेके थोड़ा सॉल्व किया जाएगा। RHS को लेंगे sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस के कॉस एक्स, आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में लिखा है 1 माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा। नीचे क्या है, 1 माइनस के कॉस एक्स, देखिए 1 माइनस के कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स आपका क्या बचा, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे ये भी RHS आपके इक्वल आ गया, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।